आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने और धनिए का रायता। उसके लिए हमें चाहिए दही आधा किलो, पुदीने की पत्तियां बारीक कटी हुई 5 से 6 टीस्पून, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 3 से 4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, काला नमक आधा से पौना टीस्पून या स्वाद अनुसार, और भुना जीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम दही को विस्क कर लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, विस्क कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो दही विस्क हो गया है, स्मूथ हो गया है। अब जो ये पत्तियां हैं पुदीने की और धनिए की, इसको हम ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पीसने के लिए पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, दही पतला हो जाएगा। तो हम जो दही है उसी के 5-6 टेबल स्पून डालकर, या जितना आपको लगे उसमें डालकर, और इसको पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। तो पुदीना और धनिया की पत्तियां हमने डाल दी हैं, अब दही डालकर हम इन पत्तियों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो दही और पुदीना ग्राइंड हो गया है, इसको अब हम दही में मिला देते हैं। तो ये हमने दही में डाल दिया इसको। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ जीरा, काला नमक और काली मिर्च पाउडर। अब इनको बस हमने स्टर करना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से, और हमारा पुदीना और धनिए का रायता तैयार है। तो सिलेंट्रो और मिंट यानी कि पुदीना और धनिए का रायता तैयार है। इसको आप ज़रूर बनाएं, हमें बताएं आपको कैसा लगा। या आप रोटी के साथ में, चावल के साथ में, परांठे के साथ में, या अकेले ही खा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।